यू आर इन थायराइड प्रोग्राम, ओके, आप एक थायराइड सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उससे जूझ रहे हैं, तो हम उसी से बात करते हैं शुरू। सबसे पहले सबके कैमरास ऑन चाहिए, एवरीवन, मोहित जी, जया जी, मीनू जी, स्वाति जी, प्लीज कैमरास ऑन करेंगे। क्योंकि सब अलग अलग जगह से हमको ज्वाइन किया हुआ है इस प्लेटफॉर्म पर। ओके, सो आज का जो ये प्रोग्राम है, आज का जो ये वेबिनार है, ये हम गारंटी देते हैं आप ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन ये वेबिनार आपको एक न्यू पर्सपेक्टिव देगा। आप यहाँ से कुछ नया ही लेकर जाएंगे, आपकी जर्नी को एकदम बदल के रख देगा, आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करके रख देगा। सो सुनने को तैयार है? एवरीवन इज विद मी, सुनने को तैयार है? ओके सब, सो ओके, सो नाउ विल स्टार्ट द वेबिनार। ये वेबिनार अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स का होगा, 120 मिनट, 120 मिनट आपको मुझे अपनी देने हैं, जो आपकी जिंदगी बदल के रख देंगे। रेडी? गिव मी थम्स अप, थम्स अप। सो दिस इज साइन लैंग्वेज, नो वॉइस। आशीष जी अपना कनेक्शन करेंगे। सो ओके, और जिन्होंने हैंड रेज किए हैं, विल टेक द क्वेश्चंस लाइव विद स्वामी जी, नॉट नाउ। क्वेश्चंस आपके एड्रेस किए जाएंगे, लेकिन बाद में। प्लीज होल्ड योर क्वेश्चंस, पहले आप हमें सुने, आप जिसके लिए आए हैं वेबिनार में। ओके ओके, इफ द मदर इज नॉट वेल, और वी कैन से कि अगर मम्मा घर पर नहीं है, कहीं बाहर चली जाती है मदर कुछ दिन के लिए, सो व्हाट हैपेंस, क्या होता है? कुछ दिन हमें घर को संभालना होता है, बट क्या वो संभल जाता है? क्योस आ जाता है, मिसमैनेजमेंट हो जाता है, खाने का भी, किचन का, पूरा घर फैल जाता है। अग्री और नॉट अग्री, इंटरेक्शन करेंगे थोड़ा सा। चैट बॉक्स में लिखेंगे यस और नो, ठीक है? टोटली योर चॉइस, अग्री और नॉट अग्री हो जाता है। तो थायराइड इज अ मदर हार्मोन, व्हेन योर थायराइड इज नॉट वेल, अगर वो ठीक नहीं है, योर मदर इज नॉट वेल, तो वो क्या सिस्टम पर क्या इम्पैक्ट लाता है, ये हम इस आज के वेबिनार में जानेंगे, कि थायराइड क्या करता है जब वो मदर हार्मोन ठीक से काम नहीं करता है। ओके, सो यू आर विद मी, है सब लोग मेरे साथ? कैमरा ऑन करके थोड़ा सा सुनेंगे, थोड़ा सा मैं बोलूंगी, थोड़ा सा स्वामी जी बताएंगे, थोड़ा सा अपने आप से पूछेंगे कि हमने आज, हम किस चीज को थायराइड समझते हैं, किस चीज से हम जूझ रहे हैं, ये सारी हम बातें इसमें करने वाले हैं। तो 2 बार पोल भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। व्हाट इज पोल? पोल इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके साथ दिए जाएंगे, आप उसको उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो पार्टिसिपेशन इज मस्ट। आर यू विद मी, है सब लोग मेरे साथ? हाँ, तो इंटरेक्शन चलता रहेगा यस नो का, उससे क्या होता है पता चलता है आप लोग सब हमारे साथ है। कैमरा ऑन करके बैठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। कैन यू सी माई स्क्रीन? प्लस गिव मी योर थम्स अप। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? एक थम्स अप दे दीजिए। ओके, थैंक यू। सो हम लोग क्या समझते हैं, एक छोटी सी गोली सुबह उठ के अपने तकिए के पास रखकर सोते हैं, एंड स्मॉल थायराइड पिल विल सेटल ऑल योर थायराइड प्रॉब्लम्स, इज इट? सही सोचते हैं, एक गोली खाते हैं सुबह उठ के, गोली मिस नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमारा माइंड सेट बन जाता है, एंड मेडिसिन इज ओके फॉर थायराइड। अग्री और नॉट अग्री, चैट में लिखिए यस और नो, इज मेडिसिन ओके टू टेक केयर ऑफ योर थायराइड? क्या उससे थायराइड ठीक हो जाता है? क्या एक्सरसाइज करने से हमें वेट जो हमारा रिड्यूस हो रहा है या वेट गेन हो रहा है, मेंटेन करने के लिए लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेस वी हैव टू डू। हाँ, रेगुलेट करना पड़ता है, अपनी डाइट को कंट्रोल करना पड़ता है, और कॉम्प्रोमाइज लाइफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रोमाइज लाइफ? लाइफ जी रहे हैं? नहीं जी, लाइफ काट रहे हैं, इन थायराइड कंडीशन कट रही है, यही हो रहा है, यस और नो? जस्ट गिव मी थम्स अप, यस और नो?
ये आपको साथ साथ देना होगा ताकि पता चलेगा आप मेरे साथ हैं पूरे वेबिनार में। ओके, सो दिस इज कुंभक थेरेपी फॉर रिवर्सिंग थायराइड हार्मोनल प्रॉब्लम्स। दिस इज फ्री इंट्रो वेबिनार फॉर पेड ऑनलाइन कोर्स। ओके, ये वेबिनार फ्री है ऑनलाइन कोर्स के लिए। दिस इज पेड ऑनलाइन कोर्स। इसमें हम क्या नहीं देंगे? नो डाइट रिस्ट्रिक्शंस, नो एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस कि इतनी वॉक करे, इतना चले, ये सब हम इसमें नहीं देने वाले हैं। तो हम क्या करने वाले हैं इस वेबिनार में? ओके, सो दिस वेबिनार इज, ये वेबिनार किसके लिए है? दिस वेबिनार इज फॉर दोज जो थायराइड और हार्मोनल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ऑटो इम्यून थायराइड कंडीशन से जूझ रहे हैं, या जिनको थायराइड और उसके बाद होने वाली प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या जिनको डर होता है कि फैमिली हिस्ट्री में थायराइड है तो कहीं मुझे थायराइड ना हो जाए, और जो अभी इनिशियल स्टेज पर है और अपनी मेडिसिन को रिड्यूस करना चाहते हैं, करेंटली मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन छोड़ना चाहते हैं, और या फिर जो देखते हैं कि कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन मिल जाए कि हमारी हेल्थ वापस आ जाए और दवाई छूट जाए, ये वेबिनार उनके लिए है। दिस वेबिनार इज नॉट फॉर दोस्त। ये किन के लिए नहीं है? जिनको इंफॉर्मेशन चाहिए, क्विक टिप्स चाहिए। क्विक टिप्स हम नहीं देते हैं क्योंकि क्विक टिप्स वो क्विक वाला ही काम करते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देते हैं, या कुछ और ट्राई नहीं करना चाहते हैं, एक गोली से ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं कि गोली खा रहे हैं, चल रहा है, डोंट वॉन्ट टू ट्राई एनी ऑल्टरनेटिव थेरेपी, ये उनके लिए नहीं है। लुकिंग फॉर अ फ्री थेरेपी, थेरेपी कभी फ्री नहीं होती है, गिव एंड टेक सब में होता है, और ये उनके लिए भी नहीं है जिनमें पेशेंस एंड कमिटमेंट कुछ भी करने का नहीं है। यस, अगर हम कोई प्रोग्राम को, कुछ थेरेपी को ज्वाइन करेंगे तो कमिटमेंट तो हमें लेना ही पड़ेगा, पेशेंस भी रखना पड़ेगा, और या जो सोच रहे हैं कि एक डेमो प्रैक्टिस दे दी जाए, तो डेमो प्रैक्टिसेस क्या किसी थेरेपी की पॉसिबल है? शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन आपको क्यों चाहिए? लॉन्ग टर्म से सॉल्यूशन के लिए जाएंगे तो डेमो प्रैक्टिस नहीं होता, क्योंकि थेरेपी सा पूरा एक मॉड्यूल होता है जो आपके पूरे शरीर पर काम करता है, पूरे सिस्टम पर काम करता है। सो डेमो प्रैक्टिस की अपेक्षा ना रखें इस वेबिनार में। हमें क्या चाहिए ऑनलाइन सेशंस के लिए? बहुत सारे लोगों के पास ये सब है। ईमेल आईडी चाहिए, जूम ऐप, आप लोग जूम ऐप से ही हमारे हमें ज्वाइन करके बैठे हैं, आए हैं, और गुड वाईफाई डेटा कनेक्शन, इन सब ये सब हमें जरूरत है। और जो हम आपको कुछ मटेरियल देंगे, वीडियोस रिकॉर्डिंग्स होंगी, उन्हें इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना, ये सब आना चाहिए। एंड द सेशंस विल बी हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ लैंग्वेज, तो ये दोनों लैंग्वेजेस हमें आनी चाहिए। ओके, दिस इज आर फॉर ऑनलाइन क्लासेस के लिए ये नीड है। ओके, नाउ विल टेल अबाउट अस। हम हैं कौन? वी आर अस्तिका वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। वी हैव रजिस्टर्ड इन दिल्ली एनसीआर। हमारी सारी सर्विसेज ऑनलाइन हैं। ओवर 10,000 पीपल वी हैव टच्ड। सो वी आर वेबसाइट इज www.astikakumbhak.com। आप यहाँ पर जाएंगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं। वी हैव रजिस्टर्ड इन स्टार्टअप इंडिया एज ऑनलाइन एज अ हेल्थ प्रोग्राम। हमने अपना इंडिया स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर किया है। ये प्रोग्राम किसने बनाया? द कोर्स डिजाइंड बाय स्वामी जी। ये कुंभक थेरेपी ऑनलाइन कोर्स है। तो ये इसमें क्या क्या हम कवर करते हैं? डायबिटीज, थायराइड, बीपी, कैंसर, रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, बट दिस वेबिनार इज स्पेशली फॉर थायराइड। ओके, सो स्वामी राज विभु जी, ही इज द प्रोग्राम डिजाइनर, उन्होंने डिजाइन किया है। ही इज द रेयर कुंभक योगी एंड ह्यूमन मैकेनिक एक्सपोनेंट। इन्होंने अपनी लाइफ को इसमें इन्वेस्ट किया है, इन्होंने इस कुंभक थेरेपी को डिजाइन किया है कि ये प्रॉब्लम हमारे शरीर में आई कहाँ से, कैसे आई, कौन सा फैक्टर क्या कमजोर पड़ गया, उसका ये रूट कॉज डिटर्मिनेशन करते हैं और कस्टमाइज सॉल्यूशंस देते हैं क्रॉनिक एलिमेंट्स के लिए। इनके मेथड्स ने अनट्रीटेबल
प्रॉब्लम्स जो मेडिकली होती हैं, जो बोल दिया जाता है कभी सॉल्व नहीं हो सकती, चिपक जाएगी ये दवाई आपके साथ। इन्होंने उसको उन लोगों को ट्रीट करके इन प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्राम्स डायबिटीज, बीपी एंड हार्ट केयर, थायराइड एंड हॉर्मोनल इश्यूज, कैंसर, रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, एंड ही इज द प्रोग्राम फॉर न्यूरो मस्कुलर स्केलेटल इश्यूज, फॉर नेचुरल कंसेप्शन एंड प्रेगनेंसी मैनेजमेंट, प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन अंडर 16। ये सारा उनका एक ही अम्ब्रेला में आता है। एंड इज रिसर्च ऑन ब्रिंगिंग आयुर्वेदा डायग्नोस एंड सोल्यूशन फॉर करेंट टाइम। आज के समय के हिसाब से, आज की स्थिति के हिसाब से उन्होंने इस पर इन्वेस्ट करके ये प्रोग्राम, इस थेरेपी को आपके लिए, हम सब के लिए लेकर आए हैं। तो स्वामी राज विभू जी का विजन क्या है? इनका विजन है टू एम्पावर एवरी ह्यूमन बीइंग विद हेल्थ एंड रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन केमिकल मेडिसिन। आज की डेट में, आज के प्रेजेंट टाइम में एवरी ह्यूमन बीइंग, हम लोग सब हेल्थ को अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं और केमिकल्स पर आ गए हैं। तो इनका विजन है उन केमिकल्स को, उन मेडिसिन को, उनकी डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना, उनसे मुक्त कराना। तो उन्होंने दूरदर्शन पर, टेड एक्स पर और पूसा इंस्टीट्यूट जैसी जगह पर सेशंस लिए हैं, टॉक्स लिए हैं। ओके, सो एज अ पेशेंट हमें क्या टैग दिया जाता है? थायराइड वालों को व्हाट यू आर टैग्ड एज अ पेशेंट बोल दिया जाता है। आप जाते हैं ना, एक प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है डॉक्टर के थ्रू, तो लेफ्ट साइड में लिख दिया जाता है ही इज अ हाइपोथायराइड पर्सन, इज अ हाइपर और पैरा थायराइड और थायराइडाइटिस, ये बड़े बड़े शब्द हमारे ऊपर डाल दिए जाते हैं। ये टैग लग जाता है हमारे ऊपर, यस और नो, यस और नो, प्लीज प्लीज पार्टिसिपेट एवरीवन, यस और नो लग जाता है ये टैग कि आप हाशिमोतो है, ग्रेव डिजीज है, ये सब आ जाता है, राइट? तो इसके लिए आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं? क्या आपको भी लगता है हाइपोथायराइड? आपको फीलिंग में, सिम्टम्स में, एक्सपीरियंस में आता है कि आप पैराथायराइड है आपको, या हाइपो है, या T3 T4 गड़बड़ है? तो एक पोल लेते हैं, प्लीज शेयर द पोल। पोल में सब पार्टिसिपेट करेंगे, या प्लीज पार्टिसिपेट इन द पोल एवरीवन। आई विल रिक्वेस्ट यू पार्टिसिपेट करें पोल में। पता चलेगा, आपको खुद को पता चलेगा कि आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस में क्या आता है। प्लीज पार्टिसिपेट, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, पार्टिसिपेट इन द पोल एवरीवन। ओके, तो गैस्ट्रिक एसिडिटी, ब्लोटिंग प्रॉब्लम्स, सडन इंक्रीज डिक्रीज वेट, ओबेसिटी, बेली फैट, ओके, पार्टिसिपेटिंग, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू एवरीवन। सो आपके एक्सपीरियंस में क्या आ रहा है? मूड स्विंग्स, लेथार्जी, इरेगुलर मंथली साइकिल्स, स्किन ड्राई हो रही है, पिगमेंटेशन, सीवियर हेयर फॉल, ड्राइनेस, डिफिकल्टी इन फोकसिंग, इनडिसिसिवनेस, ये सब माइग्रेन, ये सब आपके एक्सपीरियंस में आ रहा है। आपके एक्सपीरियंस में पैराथायरॉयड, T3 T4 TSH नहीं आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ओके, सो मेनी पार्टी मेनी फ्यू हैव पार्टिसिपेटेड, थैंक यू सो मच। 76%, 79, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। 80% पार्टिसिपेशन इज देयर। ओके, सो आगे चलते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज इन योर एक्सपीरियंस? क्या आ रहा है? लेथार्जी आ रही है, पूरा दिन काम करने का मन नहीं करता, कॉन्स्टिपेशन आ जाती है, पता ही नहीं कब से चल रही है कॉन्स्टिपेशन, क्या क्या लेना पड़ता है और कब वो पाइल्स में कन्वर्ट हो जाती है, कब वो प्रॉब्लम्स आ जाती है, पूरा दिन जो भी खाते हैं पेट फूला रहता है, बाल गिर रहे हैं, हैवी हेयर फॉल हो रहा है, ड्राइनेस, डैंड्रफ, स्किन इश्यूज आ गए हैं, पूरे शरीर में दर्दे रहती है, फोकस पता ही नहीं कहाँ गया, एंग्जाइटी, डिप्रेशन अनजाने में आते ही जा रहे हैं, कब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं पता ही नहीं चलता, नींद उड़ चुकी है, इंसोम्निया आ जाता है, और माइग्रेन,
बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ थायराइड पार्टिसिपेंट्स हाँ इन कंडीशन सॉरी थायराइड कंडीशन माइग्रेन सबसे बड़ा बैरियर है। हाँ फिर क्या आ जाता है, फ्लो रुक जाता है, सिस्ट स्टोन्स फाइब्रॉइड्स गॉइटर, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाता है, पुअर हो जाता है, किसी का बंद हो जाता है, ये सब चीजें आपके एक्सपीरियंस में है। यस सर नो जस्ट गिव इन चैट बॉक्स और थम्स अप, यस सर नो, एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट, राइट ओके। सो ये हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स है, एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स सफरिंग फ्रॉम थायराइड प्रॉब्लम्स, उनके वर्ड्स में थायराइड क्या है, दे सेड दैट थायराइड इज अ साइलेंट किलर, इट इफेक्ट्स ऑल आर बॉडी पार्ट्स। प्लीज ध्यान से सुनिएगा इन वर्ड्स को, लेजी, सारा दिन लेजी फील करते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते अपने काम पे, दिस इज अ गेट वे ऑफ ऑल डिजीज लाइक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये गेट वे है थायराइड, स्लो पॉइजन है स्प्रेडिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द होल बॉडी। मेंटल एंड फिजिकल प्रेशर, मेंटल एंड फिजिकल इम्बैलेंस, ये हमारे पार्टिसिपेंट्स ने अपने वर्ड्स में बताया कि दिस इज थायराइड प्रॉब्लम्स व्हिच दे आर सफरिंग, इससे बाहर आने के लिए नॉट TSH T3 T4, ये एक्सपीरियंस में उनके आया है। ओके सो नाउ व्हाई यू मस्ट एड्रेस थायराइड इश्यूज राइट नाउ, क्यों आपको थायराइड इश्यूज को एकदम से एड्रेस करना चाहिए, क्यों क्यों कंपलसरी है या क्यों जरूरी है, बिकॉज थायराइड इश्यूज इट्स अर्जेंट है कि इज अर्जेंट टू रिकॉग्नाइज योर इश्यूज, बहुत जरूरी है अपने इश्यूज को पहचानिए और स्टार्ट करिए उन्हें करेक्ट करना, क्योंकि थायराइड इश्यूज इज इक्वल टू बिगनिंग ऑफ अ कंफ्यूज सिस्टम। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, थायराइड इज अ बिगनिंग ऑफ कैंसर, यस, जब कंफ्यूजन आती है पूरी बॉडी पूरा माइंड सब कंफ्यूज हो जाता है तो अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाता है तो क्या आता है, क्योस, क्योस के बाद क्राइसिस, तो ये सारी सिचुएशन आती है जब थायराइड इश्यूज बढ़ते हैं और उनको एड्रेस टाइम से नहीं किया जाता है। ओके सो द सारा वर्ल्ड पूरी दुनिया क्या करने में लगी है, TSH लेवल्स को डाउन ला करने में लगी है, येट द प्रॉब्लम्स आर ग्रोइंग, जबकि प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, यस और नो प्लीज गिव मी यस और नो। सब TSH लेवल को नीचे लाने में लगे हैं, नो वन इज ट्राइंग टू फाइंड कि हमारे अंदर में कौन सा वो छुपा हुआ दर्द है, ये दर्द आपको कोई नहीं बता रहा है, सिर्फ TSH लेवल को नीचे लाने के लिए आप पॉपिन करते हैं गोली और उसको ही मैनेज करते रह जाते हैं। ये इश्यूज जो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं ये किसी को नहीं पता कि ये क्या है, इनको बहुत हल्के में लिया जाता है, तो इट्स टाइम टू सी अ न्यू पर्सपेक्टिव, एक नया परिपक्ष, एक नया पर्सपेक्टिव देखने का समय है। तो अभी क्या करेंगे, लेट्स बी रेडी टू लिसन टू स्वामी जी एक्सप्लेनिंग द कॉज एंड सोल्यूशन टू थायराइड एंड हॉर्मोनल इश्यूज। स्वामी जी को सुनेंगे, स्वामी जी आपको बताने वाले हैं, लेकिन कैसे सुनेंगे, ओपन माइंड से, कैमरा ऑन करके सीधा बैठ के, थोड़ा सा अवेलेबिलिटी देंगे, जब आए हैं इस वेबिनार में तो उसको ध्यान से सुनेंगे। ओके जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। सो व्हेन वी से थायराइड प्रॉब्लम जब हम बोलते हैं तो क्या TSH T3 T4 इसको ठीक करने से कोई भी थायराइड प्रॉब्लम से निकल के आया क्या? हैज एनीबडी कम आउट ऑफ थायराइड कंडीशन? एंड द सेकेंड थिंग इज व्हाट इज थायराइड कंडीशन? डज एनीबडी नो? क्या कोई जानता भी है कि ये थायराइड प्रॉब्लम क्या है? केवल नंबर्स को फिक्स कर रहे हैं। तो आज हम थायराइड को एक अलग ही तरीके से डिफाइन करेंगे जिससे कि हमें सोल्यूशन मिले। विल डिफाइन थायराइड इन सच अ मैनर विच गिव्स अ सोल्यूशन टू कम आउट ऑफ थायराइड सिचुएशन। तो इसके लिए थोड़ी बातें, नेक्स्ट 30 मिनट्स आपको फोकस करना पड़ेगा।
थायराइड में बहुत प्रॉब्लम है, एक जगह आप बैठ के एक जगह एक चीज को सुन नहीं सकते, मुश्किल है। हाँ, बट इफ यू फोकस इन द नेक्स्ट 30 मिनट्स यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड हाउ यू कैन कम आउट ऑफ इट। आपकी जिंदगी बदल जाएगी, इसके लिए 30 मिनट चलेगा ना थोड़ा फोकस करके, इतना तो बनता है ना। सो एंड दिस व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज नॉट अवेलेबल अदरवाइज, ये ना अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे, अवेलेबल नहीं, क्योंकि ये इस तरीके से कोई डिफाइन ही नहीं कर रहा दुनिया में। नो बडी इज डिफाइनिंग हाउ दिस लाइफ वर्क्स। और पहली बात आपको बता दूं, एलोपैथी डजेंट नो वाई थायराइड हैपेंस। एलोपैथी को मालूम ही नहीं है कि ये थायराइड क्यों होता है और ये क्या सिचुएशन है। क्या आपको पता है इस बात का? लेकिन मैं आपको एक अलग तरीके से समझा रहा हूं आपका शरीर काम कैसे करता है, और आप समझदार लोग हैं, बहुत आसानी से समझ जाए। ये बड़े बड़े वर्ड हाशिमोतो, थायराइडाइटिस और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इतने बोलने से तो कोई ठीक हुआ नहीं 100 साल के अंदर, मगर जो मैं बता रहा हूं वो आप समझ सकते हैं, बड़ी आसानी से समझ सकते। सो व्हेन यू ईट समथिंग यू कन्वर्ट इट इनटू योर बॉडी, यस और नो? जब आप कुछ खाते हैं तो आप उसको बदल देते हैं अपने शरीर में, हाँ या नहीं? घिया खाते हैं, घिया तो नहीं बनते। व्हेन यू ईट चिकन यू डोंट बिकम चिकन, यस और नो? यही है ना। सो व्हाट डू यू डू, व्हाट डस योर बॉडी डू, आपका शरीर करता क्या है? जो भी आप खाते हैं उसको आपकी आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देता है। व्हाट इज योर आइडेंटिटी? फिजिकल आइडेंटिटी। आपके सबसे पहली चीज, पहचानते हैं कैसे इंसान को? लुकिंग एट द पर्सन, स्किन कैसा है ना, आप स्किन से पहचानते हैं ना एक इंसान को, बालों से पहचानते हैं ना। यू आइडेंटिफाई पर्सन बाय शेप, अंधेरे में भी शेप दिख जाएगा, चाल दिख जाएगी तो आप पकड़ लेंगे, ये वही है, राइट? राइट, ऐसे पहचानते हैं ना। तो यू कन्वर्ट द फूड इनटू योर आइडेंटिटी, यस और नो? फिजिकल आइडेंटिटी में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, क्लियर कर दीजिए, हाँ या ना? यू कन्वर्ट एनीथिंग दैट यू ईट इनटू योर आइडेंटिटी, आप अपनी आइडेंटिटी एंड फिजिकल आइडेंटिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल आइडेंटिटी। तो व्हाट इज हेयर, बाल क्या है? व्हाट इज हेयर? इट्स प्रोटीन ना, इसको प्रोटीन बोलते हैं ना। व्हाट इज स्ट्रक्चर, स्किन क्या है? प्रोटीन है ना, यस और नो? तो व्हाट इज योर फिजिकल आइडेंटिटी, अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, यस और नो? एक पर्टिकुलर क्वालिटी प्रोटीन का, आपके बाल जैसे हैं, एक पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। सो वन थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड, एक चीज आपको समझ में आना चाहिए, व्हेन यू ईट एनी काइंड ऑफ प्रोटीन, हैज एनीबडी सीन प्रोटीन, किसी ने प्रोटीन देखा? एक्चुअल में किसी ने प्रोटीन नहीं देखा, बट व्हेन यू ईट देर इज प्रोटीन इन इट, उसके अंदर प्रोटीन होता। योर बॉडी डजंट टेक दैट प्रोटीन, आपका शरीर वो प्रोटीन लेता ही नहीं है। इफ योर बॉडी वुड हैव एक्सेप्टेड दैट प्रोटीन, अगर आपका शरीर वो प्रोटीन एक्सेप्ट करता तो वही बन जाते ना, घिया खाते घिया जैसे बन जाते, चिकन खाते चिकन बन जाते। तो आपका शरीर बदल देता है उस प्रोटीन को, क्रिएट करता है अपना खुद का प्रोटीन। योर बॉडी क्रिएट्स इट्स ओन प्रोटीन अकॉर्डिंग टू योर आइडेंटिटी, आपकी जो आइडेंटिटी है उसके हिसाब से प्रोटीन आपका शरीर बनाता है। यहां तक अग्री कर गए? यहां तक सब मान गए बात? नाउ प्रॉब्लम क्या हो रहा है आपको? सारा प्रोटीन का प्रॉब्लम हो रहा है ना, एयरफॉल, बाल रुखे हो रहे हैं, स्किन का इश्यू आ रहा है, ये सुनो, स्किन का इश्यू आ रहा है ना, मसल लॉस हो रहा है, बोन लॉस हो रहा है ना, बोन भी प्रोटीन होता ना, यही हो रहा है ना, शेप चेंज हो रहा है ना आपका।
एक्यूमुलेशन ऑफ फैट, रिटेंशन हो रहा, गैसेस बन रही है, गैस रिटेंशन, वाटर रिटेंशन, फ्लूइड रिटेंशन, ऐसा कुछ हो रहा है। तो आपको किस चीज का प्रॉब्लम हो रहा है? प्रोटीन आपका शरीर ठीक से नहीं बना रहा। अच्छा और बताते हैं, व्हाट इज T3 T4 TSH? ये क्या है? ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, वो भी नहीं बन रहा ना? या गड़बड़ हो रहा है, कुछ ज्यादा बन रहा है, कुछ कम बन रहा है। देन व्हाट इज इंसुलिन? अमाइलिन, ग्रेलिन, लेप्टिन। इंसुलिन तो नाम सुना होगा। व्हाट इज इंसुलिन? इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, वो भी प्रोटीन। आगे चल के थायराइड वालों को डायबिटीज होती है कि नहीं होती? कई लोगों को हो जाएगा। आप कितना भी टीएसएच नीचे करो, T3 T4 एडजस्ट करने की कोशिश करो, वॉट एवर यू आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट, क्या आगे प्रॉब्लम नहीं आने आएगी आपको? 100% आएगा, क्योंकि आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। अच्छा, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल का इश्यू, डज इट हैपन बिकॉज ऑफ थायराइड? इनफर्टिलिटी, AMH काउंट, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स, ईडी, स्पर्म काउंट का इश्यू, व्हाट आर दोस? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, क्या है ये? प्रोटीन है। तो ये आप जितने भी ये प्रॉब्लम बता रहे हैं ना, आपको जो बताया भी जा रहा है, यू डोंट नो दीज थिंग्स, आपने थोड़ी देखा ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, किसी ने बोल दिया ना, टेस्ट लैब टेस्ट में बता दिया, मगर ठीक तो कोई भी नहीं हुआ। वॉट एवर यू आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक तो कोई भी नहीं हुआ। 50 साल में एक थायराइड बता दो जो ठीक हो गया थायरोक्सिन खाकर। गिव मी वन एग्जांपल, डायबिटिक, डायबिटीज किसका ठीक हुआ? ब्रैडीकार्डिया, टैकीकार्डिया, माइग्रेन, डाइजेस्टिव इश्यूज, तो आप ट्रीटमेंट कर कर रहे हैं? क्यों ट्रीटमेंट नहीं कर रहे आप? क्योंकि जो शरीर की शक्ति है प्रोटीन बनाने की, द बॉडीज एबिलिटी टू मेक प्रोटीन, उसको आप बढ़ा ही नहीं रहे। थायराइड की प्रॉब्लम क्या है? प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। अंग्रेजी बोल रहा हूं, साथ में हिंदी बोलूंगा, विच इज मोर एक्यूरेट। बेसिकली व्हाट इज थायराइड? आकृति विस्तार दोष। व्हाट इज थायराइड? आकृति विस्तार दोष। आपका शरीर आकृति, आपकी आकृति बिगड़ रही है ना, शेप इज चेंजिंग, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन मैं इसीलिए लेके आया, यू डोंट नो व्हाट इज प्रोटीन, बट इतना प्रोटीन बताया गया बचपन से आपको, यू थिंक देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोटीन, एक भूत है उसका नाम प्रोटीन है। इसीलिए प्रोटीन के टर्म्स में पहले आपको समझाया, बट द रियल थिंग इज आकृति विस्तार दोष। आपका शरीर जो है अपनी आकृति को मेंटेन करने की जो उसकी शक्ति है, विच हैपन्स बिकॉज ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग, राइट एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर प्रोटीन, वो नहीं कर पा। बिकॉज एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन योर बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड विथ थ्रू प्रोटीन। आपको ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन करना है, इंसुलिन चाहिए ना, आपको मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना, ब्लड का बनना चाहिए ना, ब्लड का कंपोजिशन सही होना चाहिए, ये बिगड़ रहा है ना। आकृति विस्तार दोष, क्लियरली क्लियरली आकृति विस्तार दोष, इसको समझ लीजिए। व्हाट इज थायराइड? इट इज आकृति विस्तार दोष। ये आपकी शरीर की शक्ति है जो हर चीज की आकृति, शेप, मटेरियल को मेंटेन करना, बाल गिर रहे हैं, बाल खराब हो रहे हैं, रूखे हो रहे हैं, उसकी आकृति नहीं बना पा रहा, स्किन खराब हो रहा है, उसकी आकृति आपका शरीर नहीं बना पा रहा। यू कैन ऑल्सो रिलेट इट विथ एवरीथिंग एल्स। आपके शरीर के अंदर भी जाके आप देखोगे, एनी प्रोटीन इज बेसिकली अ शेप, स्ट्रक्चर होता है उसका, आकृति होती है उसकी, वो बना पाने में असमर्थ है आपका शरीर।
अगर इस पे काम करते हैं तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 100% ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, सो दैट इट गेट्स 100% क्लियर इन योर माइंड। अच्छा, देर इज समथिंग कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। ये आपने नाम सुना होगा मेटाबॉलिज्म, यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड, मगर इसको आप जानते नहीं है। द एबिलिटी ऑफ योर बॉडी टू यूटिलाइज फूड, भोजन इस्तेमाल करने की क्षमता आपके शरीर की, इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सो मेटाबॉलिक डिफेक्ट और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन इज थायराइड, अगर ऐसे भी समझना चाहे तो ऐसे समझ जाइए। लेकिन प्रोटीन कैसे बनाता है आपका शरीर, ये समझेंगे फिर देखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसा है। सो प्रोटीन जैसे मैंने बताया, एज आई सेड, यू कन्वर्ट वॉट एवर यू ईट इंटू योर काइंड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये तो क्लियर है ना सबको, व्हेन यू ईट समथिंग, जो प्रोटीन आपने खाया वो प्रोटीन आपको मिलता नहीं है, वो आपके शरीर लेता नहीं है। बॉडी ब्रेक्स इट डाउन टू इंटू अमीनो एसिड्स एंड देन मेक्स इट्स ओन प्रोटीन। तो अब देखते हैं सोल्यूशन, देखें सोल्यूशन, प्रोटीन की चेन होती है ना, यस और नो, प्रोटीन का चेन होता है ना, प्रोटीन का चेन होता है ना, इट्स अ पैटर्न, यस और नो, इट्स अ पैटर्न। स्किन का प्रोटीन अलग होगा, हेयर का प्रोटीन अलग होगा, डिफरेंट पैटर्न, यस और नो, अलग अलग पैटर्न होगा ना। सो प्रोटीन मैन्युफैक्चर बेसिकली इज द डांस ऑफ क्रिएशन, क्रिएशन का ये डांस है, बिकॉज देर इज अ चेन विच इज नीडेड टू बी मेड। एक चेन बनाना है तो एक तरीके से बनाना है, इट्स अ डांस ऑफ क्रिएशन। तो आकृति विस्तार शक्ति बनानी पड़ेगी, वॉट इज द प्रॉब्लम, आकृति विस्तार दोष। सोल्यूशन क्या है, क्रिएट आकृति विस्तार शक्ति, क्रिएट द पैटर्न ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन, स्ट्रेंथ ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रेंथ ऑफ क्रिएटिंग पैटर्न। आपके शरीर ने लूज क्या किया है, स्ट्रेंथ ऑफ क्रिएटिंग पैटर्न। यू हैव लॉस्ट द रिदम ऑफ योर बॉडी। दिमाग एक जगह रुकता है, इट जस्ट गोज हेयर एंड देयर, इधर उधर भटक रहा है, डिप्रेशन एंजाइटी, बिकॉज योर माइंड इज नॉट इन रिदम, लय में नहीं है आपका शरीर। सो डांस ऑफ क्रिएटिंग लाइफ, ये है स्ट्रेंथ ऑफ क्रिएटिंग रिदम इन योर बॉडी। आपके बालों का आकार होता है ना, एक लंबी थ्रेड होती है, इट इज अ रिदमिक कंस्ट्रक्शन। अगर वो शक्ति है तो इसको थोड़ा डांस के तौर पे समझते हैं। नाचने के लिए क्या चाहिए, टू डांस इन अ रिदम, एक लय में नाचने के लिए क्या चाहिए आपको, स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड फ्लो, तीन चीज चाहिए, स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड फ्लो, ये तीनों में से एक भी चीज नहीं होगी आप नाच नहीं पाएंगे, यानी आपका शरीर प्रोटीन नहीं क्रिएट कर पाएगा। तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या, हाउ कैन यू क्रिएट स्ट्रेंथ, यू हैव लॉस्ट स्ट्रेंथ ऑफ योर इन योर बॉडी, यस और नो, शक्ति कमजोर हो गई ना, स्ट्रेंथ कमजोर, फिजिकल स्ट्रेंथ कमजोर हो गया, मेंटल स्ट्रेंथ कमजोर हो गया, घबरा जाते हो जल्दी, स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेसिव टेंडेंसी आ गई है। स्ट्रेंथ कैसे क्रिएट करते हैं अपनी बॉडी में, कौन सी दवाई है जो आपके बॉडी में स्ट्रेंथ क्रिएट करती है, कौन सा भोजन है जिससे आपके बॉडी में स्ट्रेंथ क्रिएट होगा, टेल मी वन फूड दैट क्रिएट स्ट्रेंथ इन योर बॉडी। 50 साल भोजन करते करते कमजोर हो गए कि सुपर ह्यूमन बन गए, 50 साल आपने भोजन किया ना, फूड खाया, तो आपको सुपर ह्यूमन बन जाना था ना। एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेट्स डू एक्सपेरिमेंट, हाउ योर बॉडी क्रिएट स्ट्रेंथ, आपका शरीर स्ट्रेंथ कैसे क्रिएट करता है, उंगलियों को फंसा लीजिए, उंगलियों को फंसा लीजिए, सभी करेंगे, देखो सभी, सभी को समझना है ना, प्रॉब्लम से बाहर आना है कि नहीं आना। सारा यूट्यूब ज्ञान, 100 साल का ज्ञान आपके पास में है, मगर ठीक नहीं हो रहा कोई भी, तो लेट्स लुक इट इन सम अदर वे वेयर देयर इज अ सॉल्यूशन।
उंगलियों को फंसाएं, उंगलियों को फंसाएं, जस्ट क्लास्प योर फिंगर्स, जोर से खींचेंगे, स्ट्रेंथ पूरी जान लगाएंगे, पूरा जोर लगाएंगे। कैसे खींचें, हाउ यू आर पुलिंग, पूरा जोर लगाओ, हाउ यू आर पुलिंग। ये स्ट्रेंथ कहां से बनाया आपने, अभी आपने कौन सा भोजन खाया, अभी कौन सी दवाई खा ली, ये कैसे बनाया, दोबारा करेंगे। बहुत सारी चीजें आ रही है ना दिमाग में, लेट्स डू इट, बट जहां मैं बोल रहा हूं वहां ध्यान देना, कम ऑन, दोबारा से करेंगे, पूरा जोर लगाएंगे, पूरा जोर लगाएं, खींचें, सी यू होल्ड योर ब्रेथ, सी होल्ड योर ब्रेथ, यस और नो, सांस रोकते हैं, अच्छा पुश करें, पुश करें, धक्का दें, पुश करो, पुश करो, जोर लगा के पुश करो, सी यू होल्ड योर ब्रेथ, द मोर यू वॉन्ट टू पुश द मोर यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ, यस और नो, हाँ या नहीं। वेट कैसे उठाते, हाउ यू लिफ्ट वेट, हाउ डू यू लिफ्ट वेट, यू होल्ड योर ब्रेथ। किसी भी तरीके का स्ट्रेंथ क्रिएट करने के लिए व्हाट डू, यू होल्ड योर ब्रेथ विद इन योर सेल्फ, वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, घर के कामकाज करना, डांसिंग, सिंगिंग, यू होल्ड योर ब्रेथ इन वेरिएबल प्रोपोर्शन विद इन योर सेल्फ। आप अलग अलग अनुपात में सांस रोक के ही वो काम करते हैं, कोई और तरीका ही नहीं है। तो स्ट्रेंथ क्रिएट करने के लिए ये जो सांस रोक रहे हैं ना, जिसे स्ट्रेंथ क्रिएट कर रहे हैं आप, इसी को कुंभक कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसी को कुंभक कहते हैं। कुंभक से आपके शरीर में कोई भी काम कुंभक से होता, आपके ऑर्गन्स या एंडोक्राइन ग्लैंड्स कुंभक से ही हार्मोन रिलीज करते हैं, बट ये हमें पता नहीं चल रहा, बिकॉज बिना उसके कुंभक के कोई काम नहीं हो सकता, शरीर के बाहर शरीर के अंदर कोई काम नहीं हो सकता। बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें, एक पांव पे खड़े होंगे अगर, इफ यू वांट टू क्रिएट अ बैलेंस, हाउ विल यू डू क्रिएट द बैलेंस, और इफ समबडी पुशेस यू, कोई आपको धक्का देता है, गिराने की कोशिश करता, यू डोंट वांट टू फॉल डाउन, यू वांट टू होल्ड योरसेल्फ, हाउ डू यू डू दैट, दोनों में से कोई भी काम, एक पांव पे खड़े होना या ना गिरने की कोशिश, कैसे करेंगे आप, हाउ विल यू डू दैट, बाय होल्डिंग योर ब्रेथ। तो हाउ डज योर बॉडी क्रिएट्स बैलेंस, बाय ब्रेथ होल्ड। बैलेंस बिगड़ गया, इसका एग्जांपल क्या है, माइग्रेन, वन पार्ट ऑफ योर बॉडी हेड इज पेनिंग, माइग्रेन, सियाटिका, प्रॉब्लम विद स्पाइनल कॉर्ड, ये बैलेंस की प्रॉब्लम है, राइट एंड लेफ्ट का अलाइनमेंट नहीं आ रहा बॉडी में, बैलेंस का प्रॉब्लम है, ठीक है ना, हड्डियों का बनना नहीं बनना, आपका इम्यूनिटी इज अ बैलेंसिंग प्रॉब्लम, आपकी इम्यूनिटी क्या है, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस, इम्यूनिटी अगर बैलेंस में नहीं है तो क्या बन जाएगा वो, इफ योर इम्यूनिटी इज नॉट इन बैलेंस व्हाट विल इट बिकम, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हाशिमोतो, ठीक है, तो बैलेंस का प्रॉब्लम है ही ना, हाफ पार्ट में दर्द हो रहा है, बैलेंस का प्रॉब्लम है ना, एंड देन द थर्ड पार्ट इज फ्लो और रिदम, फ्लो और रिदम, एज आई टुक द एग्जांपल ऑफ डांसिंग, हाउ डू यू डांस अ नंबर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आपको एक समय तक उसको बरकरार रखना पड़ेगा ना, एक फ्लो को, देन ओनली यू कैन डांस, यू विल डू इट बाय होल्डिंग योर ब्रेथ इन वेरिएबल प्रोपोर्शन, अलग अलग अनुपात में सांस रोक के आप वो काम करते हैं, वो खराब हो गया, आपका फ्लो खराब हो चुका है, किसी चीज में खुश नहीं होते ना, फ्लो से ही हैप्पीनेस होता है, फ्लो इज योर माइंड बेसिकली, किसी का भी माइंड ठीक नहीं है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड इज मेंटल इश्यूज, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ माइंड,
इंसोम्निया, नींद नहीं आ रही, रिदम खराब है, नींद कैसे आई, आप छोड़ नहीं पा रहे शरीर को, डर रहे हैं, बिकॉज द फ्लो इन योर बॉडी इज नॉट प्रॉपर, हॉर्मोन फ्लो इज नॉट प्रॉपर, ब्लड फ्लो इज नॉट प्रॉपर, हार्ट का रिदम नहीं बन रहा, टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया हो रहा है, फ्लो खराब हो गया, सोच कुछ का कुछ आ रहा है, यू आर गेटिंग इन टू एंजाइटी, एंजाइटी एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होगा, टीएसएच ज्यादा रिलीज होगा, बॉडी तो बचाएगा अपने आप को, टीएसएच का मतलब क्या, शरीर बचाने की कोशिश कर रहा है, एंड देन अबव एंड ओवर एंड अबव आपके डाइट में ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं, ज्यादा प्रोटीन खाओ, हाइपोथैलेमिक इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इसीलिए टीएसएच बढ़ रहा है, प्रोटीन आप जितना खाओगे उतनी आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्योंकि आपका शरीर जो नहीं कर पा रहा काम उसको ओवरलोड करोगे, फिर क्या होगा, थायरोडाइटिस, प्रोटीन खाओगे तो क्या होगा, थायरोडाइटिस, एंड व्हाट एल्स, किडनी का इश्यू आना शुरू होता है, कैंसर बनेगा, कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है, क्या करना है, वापस आते हैं, ऐसे मैं बोलूंगा तो मैं बोल हफ्तों बोल सकता हूं, बट क्या सॉल्यूशन मिलेगा क्या आपको, अभी तक तो नहीं मिला, ज्ञान से इतना ज्ञान आपने अर्जित किया, सॉल्यूशन तो नहीं मिला, सो इफ यू डू अ लिटिल वर्क अपॉन योर बॉडी, कुंभक ही करके आपका, कुंभक के अलावा कोई ऑप्शन है, कुंभक करके ही आपके बॉडी का स्ट्रेंथ बैलेंस एंड रिदम बनता है, वही वीक हो गया तो कुंभक करके इसको बढ़ा दीजिए, ठीक हो जाएगा, सो हर एक का आकृति विस्तार अलग तरीके से होता है, इसीलिए एवरीबॉडी नीड्स टू बी डायग्नोज कि उसकी किस तरीके की शक्ति कम हुई है, देन एवरीबॉडी हैज टू गेट देयर नंबर्ड कुंभक, ठीक है, ये वन साइज फिट ऑल नहीं है, आपने थायरोक्सिन सबने खाना है, कोई भी ठीक नहीं होता उससे, सो योर आइडेंटिटी इज डिफरेंट, सो योर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, योर आकृति विस्तार शक्ति इज डिफरेंट, योर कुंभक शुड बी डिफरेंट, हैज टू बी डिफरेंट, हाँ या ना, तो प्राण शक्ति डायग्नोसिस इज समथिंग दैट वी डू फॉर एवरी इंडिविजुअल एंड देन गिव देयर कस्टमाइज्ड कुंभक मॉड्यूल टू कम आउट ऑफ थायराइड एंड ऑल अलाइड एसोसिएटेड कंडीशंस एंड प्रॉब्लम्स, तो यहां पे फिर मैं रुकूंगा एंड टीम विल टेक यू फॉरवर्ड, आपको प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताएंगे, ओके तो स्वामी जी को सुन के कुछ तो माइंड में आया होगा, कुछ तो मन को टटोलेंगे कि कुछ नया मिल रहा है, कहाँ प्रॉब्लम है। अभी हम वेबिनार को आगे ले चलते हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। ओके सो नाउ थायराइड इम्बैलेंस इम्पैक्ट्स योर एंटायर सिस्टम। अभी तक हमें लगता था कुछ नहीं है, एक गोली खा रहे हैं चल रहा है, पर हमें आज समझ में आ रहा है कि हमारे कितने सारे पूरे सिस्टम पर, क्योंकि ये मदर हार्मोन है, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यूनिटी फंक्शन, मेंटल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, नर्वस सिस्टम, इन सब पर इम्पैक्ट करता है इफ थायराइड इज इम्बैलेंस। सो इट्स एक्चुअली वेरी अर्जेंट, ये बहुत जरूरत है इस समय इसको एड्रेस करने की, हॉर्मोनल इश्यूज को एड्रेस करने की। तो एड्रेस करके क्या करेंगे, वी कैन सेव आर ऑर्गन्स, वी कैन सेव फंक्शंस। जो ऑर्गन्स अगर सेव करेंगे तो उनके फंक्शंस काम सही से होंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमारी लाइफ बढ़िया हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी। जो जी रहे हैं ना, जी नहीं रहे, काट रहे हैं जिंदगी को, वो जीना शुरू करेंगे, हाँ या ना, यस और नो। सो वापस इंटरेक्शन शुरू करेंगे, यस और नो, राइट? ओके सो क्या करेंगे अभी, क्या है ये, थायराइड प्रॉब्लम इज इक्वल टू लैक ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर,
ओ गॉड, कितने ऑर्डर्स बिगड़ गए। प्रोटीन एंड हॉर्मोन्स का ऑर्डर बिगड़ गया, मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेंथ का ऑर्डर बिगड़ गया, क्रिएशन का ऑर्डर बिगड़ गया, मेंटेनेंस का ऑर्डर बिगड़ गया, एक थायराइड मदर हार्मोन के बिगड़ने से ये सारे ऑर्डर्स बिगड़ते चले गए। रिदम, डिटॉक्स, क्लैरिटी, सबके ऑर्डर बिगड़ गए। तो मदर हार्मोन स्टार्ट्स अफेक्टिंग अदर हार्मोन्स, क्या रिजल्ट आता है? रिजल्टिंग इन माइंड अनफोकस हो गया, अनस्टेबल इमोशंस, आपके कंट्रोल में नहीं है इमोशंस, नो रीजनरेशन एंड मेनी मोर। बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी में होना शुरू हो जाती हैं, बट वी डोंट नो, वी एक्चुअली डोंट नो कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम सिर्फ उसी धर्रे में चलते रहते हैं कि बस ये खाया और इसमें चलते जाए। सो ये ऑर्डर सारे डिस्टर्ब हो गए हैं। ओके, सो आपको लगता है, डू यू थिंक दैट द थिंग्स फॉल इन ऑर्डर बाय देमसेल्व्स, अपने आप से आ जाएंगी सारी चीजें ऑर्डर में? डू यू थिंक सो? यस और नो? नो, वन हैज टू मेक एफर्ट्स। अगर घर में कुछ बिखरा हुआ है तो एक को एफर्ट करना पड़ता है, तब वो सिमटता है। तो वो एफर्ट कैसे लगेगा? वो एफर्ट लगेगा कुंभक से। तो व्हाट इज कुंभक? एज स्वामी जी सेड, द कुंभक इज स्ट्रेंथ जनरेटिंग मैकेनिज्म। आप कुछ भी करते हैं, आप इस समय वेबिनार को देख रहे हैं क्योंकि कुंभक है। ओके, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्योंकि कुंभक है, आप सोचते हैं कुछ क्योंकि कुंभक है। तो कोई भी काम करते हैं वो कुंभक से ही होता है। तो कुंभक स्ट्रेंथ जनरेटिंग मैकेनिज्म है, उस शक्ति को जो आपकी कमजोर हो गई है, जो पहलू कमजोर हो गए हैं, उनको वो वापस स्ट्रेंथन करता है। तो जिंदगी में या पूरे दिन से रात तक बात करते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कुंभक के बिना हो। ओके, नाउ व्हाट इज कुंभक थेरेपी? ये है क्या? कुंभक थेरेपी एक टेक्नोलॉजी है, एक साइंस है, जिसमें हम आप नॉर्मल सांस इनहेल एक्सहेल नहीं करते हैं, बाह्य और आंतरिक कुंभक नहीं करते हैं कि नॉर्मल लिया और छोड़ दिया, होल्ड कर लिया, नहीं। इसमें स्पेशलाइज्ड ब्रीदिंग पैटर्न्स यूज किए जाएंगे और आपके जो वीक ऑर्गन है या उनके फंक्शंस वीक हो गए हैं, उनको ह्यूमन सिस्टम के अंदर उन्हें स्ट्रेंथन किया जाएगा वो पैटर्न यूज करके। सो हम ब्रेथ को कैसे यूज करेंगे? एज अ व्हीकल, बॉडी मूवमेंट होंगे, आपको एक पर्टिकुलर पोस्चर में बैठने के लिए बताया जाएगा, यू हैव टू यूज पर्टिकुलर मुद्रा फॉर दिस, एंड द फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट क्या करता है? हमारे थायराइड ग्लैंड को स्ट्रेंथन करने के लिए फोकस पॉइंट दिया जाता है। साउंड, इंटेंशन, एनर्जी, एक्सटर्नल फोर्सेस और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये सारी चीजें मिलाकर हम जब कुंभक करते हैं तो ये कुंभक को एनहांस करते हैं। ओके, सो प्रैक्टिसिंग थेरेपी फॉर रेगुलर पीरियड रीट्यून। अगर आप रेगुलर पीरियड में करेंगे अपनी प्रैक्टिसेस, तो हमारी बॉडी, हम किसी भी कंडीशन में हैं, किसी भी बीमारी में हैं, हम उस फैक्टर पे काम करेंगे जो फैक्टर कमजोर हो गया है, जो पहलू कमजोर हो गया है, जब हम उसको मजबूत करेंगे, जिसकी वजह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं, उस पर काम करेंगे, उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसे स्ट्रेंथन करेंगे, तो वी कैन कम आउट ऑफ एनी कंडीशन, एनी क्रॉनिक एलमेंट, एनी डिजीज। आप किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं आप कुंभक थेरेपी करके। सो हैव यू एवर थॉट व्हाई आर इन द थायराइड प्रॉब्लम? आपने कभी सोचा है आप थायराइड प्रॉब्लम में क्यों हैं? क्या कभी किसी ने आपको बताया, ज्योत्सना जी, डॉक्टर सीमा लाल जी, एकता अरोड़ा जी, कभी आपको किसी ने बताया कि व्हाई आर यू इन दिस कंडीशन? नहीं बताया। सिर्फ आपको टेस्ट लैब हुए, लैब टेस्ट हुए, आपकी रिपोर्ट में लिख दिया गया एंड गोली स्टार्ट हो गई, और बोल दिया गया एक गोली चिपक गई पूरी जिंदगी भर के लिए। इज इट यस और नो? यस और नो, राइट? किसी ने नहीं बताया, बट इन आर प्रोग्राम, हमारे जो ये हमारा मेन थेरेपी, हमारी थेरेपी का जो मेन एंड बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है, प्राण शक्ति डायग्नोज, ये वर्ल्ड का नॉन मेडिकल डायग्नोस है। इसके लिए हमें कोई ब्लड टेस्ट नहीं चाहिए, कोई रिपोर्ट नहीं चाहिए। ये क्या करेगा, ये डायग्नोस क्या करेगा? ये आपका रूट कॉज डिटर्मिनेशन पे काम करेगा, आपके वीक इंटरनल फैक्टर पे काम करेगा। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में बल और फोर्स, आप बोल सकते हैं वीक हो जाते हैं,
कौन सा बल वीक हो गया, कौन सी फोर्स, कौन सी शक्ति काम नहीं करी, कौन सा फैक्टर कमजोर हो गया, उस पर ये कुंभक काम करता है। लेकिन इसको कैसे करते हैं, तो इसको स्वामी जी कस्टमाइज इंडिविजुअल, सबका कस्टमाइज करते हैं इंडिविजुअल। आपकी प्रैक्टिसेस में एज अ स्वामी जी सेट कि नंबर्ड चेंज हो जाते हैं। हाँ, तो सबकी प्रैक्टिसेस इंडिविजुअल हो जाती हैं, उनको कस्टमाइज सॉल्यूशन दिया जाता है, बिकॉज एवरी सिस्टम इज यूनिक, सब यूनिक है, सबकी प्रॉब्लम्स अलग है, तो उनके सिस्टम के हिसाब से, उनकी बॉडी के हिसाब से, उनकी प्रैक्टिसेस में चेंजेस किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ रेशियो। ओके, तो दिस इज अ वेरी वंडरफुल एंड अ वेरी ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये टू पिलर्स हैं हमारी कुंभक थेरेपी के, प्राण शक्ति डायग्नोसिस एंड कस्टमाइजेशन। आगे चलते हैं, तो कैसे सिखाएंगे हम इसको, इस थेरेपी को कैसे सिखाएंगे, हाउ दिस थेरेपी टॉट इन 12 वीक्स, स्टेप बाय स्टेप इस प्रैक्टिस थेरेपी को करते हैं। आपके सिस्टम को प्रिपेयर किया जाता है 6 हफ्ते के अंदर, जिसमें हम 23 लर्निंग एंड प्रैक्टिस सेशंस देंगे। तो बेसिक जो वीक होता है, वीक 1 और 2 में बेसिक प्रैक्टिसेस कराकर आपको कुंभक बताया जाता है, कैसे किया जाता है। बेसिक प्रैक्टिसेस के बाद जब एडवांस में लाते हैं, तो और सिस्टम एक लेवल आगे जाता है। देन कम टू कस्टमाइजेशन, जो जिसकी बात अभी स्वामी जी ने भी बताई एंड आई ऑल्सो मेंशन। उसके बाद क्या होता है, 7 to 10 वीक्स के अंदर इस थेरेपी को हम आपके अंदर स्टैबलिश करते हैं थ्रू द प्रैक्टिसेस, थ्रू द हठा कुंभक। बहुत सारी प्रैक्टिसेस आपको दी जाती हैं जिनके थ्रू ये स्टैबलिश किया जाता है। और एंड में जो सिम्टम्स जिनके बारे में अभी हमने बात की है, बहुत सारी स्वामी जी ने एंड द अदर स्लाइड्स आल्सो, उन पर असेसमेंट होता है, आपके सिम्टम्स पर असेसमेंट होता है इन वीक 11 to 12। तो स्टेप टू स्टेप, स्टेप बाय स्टेप इस थेरेपी को हम सिखाते हैं। ओके, सो व्हाट डू वी नीड फॉर दिस, हमें इसके लिए क्या चाहिए। C फॉर कमिटमेंट, P फॉर पेशेंस। आर यू रेडी फॉर दिस कमिटमेंट एंड पेशेंस? तो कितना कमिटमेंट, कितना पेशेंस चाहिए? मॉर्निंग में अपने साथ 20 to 30 मिनट्स बिताने हैं, इवनिंग में 10 to 15। आर यू रेडी फॉर दिस, यस और नो? क्या इतना भी काम हम अपने शरीर पर नहीं कर सकते, इतना समय हम अपने ऊपर नहीं बिता सकते, इतनी बड़ी कंडीशन से बाहर आने के लिए, इतनी बड़ी क्रॉनिक एलिमेंट से बाहर आने के लिए? सो वी नीड कमिटमेंट एंड पेशेंस। कमिटेड होके करेंगे तो 110% यू विल कम आउट ऑफ योर प्रॉब्लम। ओके, सो हजारों लोगों ने, जैसे कि अभी स्टार्टिंग में बताया, ओवर 10,000 पीपल हैव टच्ड, हाँ, हैव डन दिस कुंभक थेरेपी। सो पर्टिकुलरली दिस थायराइड प्रोग्राम, सिंस अप्रैल 2020 अप्रोक्सीमेटली 1,800 पीपल हैव ज्वाइन दिस थायराइड प्रोग्राम, और उन्होंने इस प्रोग्राम को ज्वाइन करके अपने आप को वापस से रिवर्स किया है, अपनी प्रॉब्लम को, थायराइड को रिवर्स किया है, और हेल्दी लाइफ बिता रहे हैं। ये हमने एक आपको अप्रोक्सीमेटली एक डेटा दे रहे हैं। ओके, एंड आई एम द लाइव एग्जाम्पल फॉर दिस, मैं एक लाइव एग्जाम्पल हूँ। मैं खुद हाइपोथायराइड की शिकार रही हूँ एंड बहुत लंबा टाइम रही हूँ, इट्स ऑलमोस्ट 24 ईयर्स, और उससे बाहर निकली हूँ। जितने सिम्टम्स बताए हैं, ये सारे सिम्टम्स में से मैं बाहर निकली हूँ, इन सब से जूझा है। इनका क्या दर्द होता है, इस दर्द को कोई नहीं समझ सकता, जो झेलता है वही समझ सकता है। तो मैं इसका लाइव एग्जाम्पल हूँ। ऐसे ही हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने अपनी जर्नी हमारे साथ थोड़े से शब्दों में बयान की। लेट्स लिसन टू पार्टिसिपेंट्स हु लर्न्ड दिस थेरेपी एंड नाउ लीडिंग डिजीज फ्री लाइफ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। मेरा नाम रजनी है। आई एम फ्रॉम दिल्ली। लास्ट मेरा कम से कम 20 साल से मेरे थायराइड से मैं परेशान हो गई। कंसीव होने के लिए भी प्रॉब्लम हुआ बहुत। सब फिर मेडिसिन 25 से शुरू किया था, 100 तक पहुंच गए थे। तो लास्ट 2 इयर्स पहले मेरे को ऑटो इम्यून डिजीज का भी प्रॉब्लम हुआ था, दैट इज हाशिमोटो थायराइड भी हुआ थे। तो इसका लिए भी मैंने एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा था इसके साथ साथ। तो
इसके बीच में ये मैंने देखा फेसबुक में कि मैंने देखा कैसे होता है, देख लेती हूँ, तो मैंने ज्वाइन किया। तो मेडिसिन मेरे धीरे धीरे हर कम करके, मैंने अभी 25 पे आया था, लास्ट मेडिसिन मैंने लिया था तो वो खत्म हो गया, तो मैंने वो लिया ही नहीं। उसके बाद मैंने लिया नहीं, और अभी मेरे को सिम्टम्स वगैरह कुछ भी नहीं है। मेरे को पहले तो एक काम किया, 5 मिनट या 10 मिनट लेटना पड़ता था, फिर दूसरा काम करने के लिए उठना, ऐसे होते थे, रो रो के काम करते थे घर का। पर अभी तो ऐसे नहीं है, अच्छे से कर पा रहे हो, एक्टिव रह पा रहे हो, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच फॉर दिस कुंभा, थैंक यू। नमस्ते, आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने भी फेसबुक पे ही देखा था तो मैंने सोचा ये वेबिनार अटेंड करने का है, तो वेबिनार अटेंड किया मैंने। हस्बैंड बोल रहे थे तू कुछ करने वाली नहीं है, मैं बोली नहीं मैं करूंगी। तो वो वेबिनार देख के मुझे लगा, और मैंने फेसबुक के भी सुना था, एक कोई था उसने डाला था उसपे एक्सपीरियंस, तो मैं बोली मैं वो करूंगी, क्योंकि मेरे को भी 18 साल से थायराइड, तो अभी मेरे को बहुत सिम्टम में फर्क आ रहा है। मेरा बॉडी पेन बहुत था, बोन पेन था, डाइजेशन का प्रॉब्लम था। अभी धीरे धीरे मेरे को फ्रेश लग रहा है, मैं नींद से बहुत नींद आती थी, मेरे को बहुत आलसीपना हो गया था, तो अभी मेरे को थोड़ा फ्रेश लगता है, जल्दी उठती हूँ, प्रैक्टिसेस रेगुलर करती हूँ, पहले प्रैक्टिस बाद में कुछ भी ऐसा है। और डाइजेशन का इतना मेरे को जलन हो रहा है था, इतना तो अभी वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। और भूलने का मैं भूल जाती थी जल्दी, अभी थोड़ा माइंड में भूल गई तो भी जल्दी से वो नाम याद आता है। मैं वीना इंगले कोल्हापुर से हूँ। मैंने आपका कुंभक का जो स्वामी जी का, मैंने फेसबुक ऐसे ही देख रही थी, एक दिन स्क्रॉल कर रही थी, वहां पे मैंने देख लिया। मुझे 13-14 साल से वो थायराइड का बीमारी है। मैंने वो जो देख लिया उस दिन, मैंने उसी दिन मैंने ऐसा कर दिया, हाँ मैंने ये लेना चाहिए। लेकिन मैं इससे पहले मैं कभी नहीं देखी थी, कभी नहीं, मैंने स्वामी जी को कभी नहीं देखी थी, कभी भी मैंने यूट्यूब पे कहाँ पे भी नहीं देखी थी। लेकिन मुझे ऐसा क्यों नहीं हुआ, पता नहीं, मैंने ये क्लास ज्वाइन करने के लिए सोचा और मैंने किया। इससे मुझे अभी हेयर फॉल बहुत ज्यादा था, अब हेयर फॉल भी पूरा कम हो गया है, मतलब हेयर फॉल ही नहीं होता अभी। और साइटिका का पेन था मुझे ज्यादा, वो अभी 80% तक कम हुआ है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ इस कुंभक से। और मैं मुझे बहुत चिड़चिड़ होता था, अभी वो सब मतलब 80% तक कम हो गया है। अभी मैंने कभी भी चिड़चिड़ होती तो मेरे हस्बैंड पूछते हैं, आज कुंभक किया है कि नहीं, ऐसे पूछते हैं। नमस्ते ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू स्वामी जी, ऑल मेंटर्स, एंड थैंक यू टू फेसबुक, बिकॉज फेसबुक नहीं देखती तो शायद आज जो चेंजेस हुए वो नहीं होते थे। तो मुझे मतलब पहले से थायराइड नहीं था, ये जून में पता चला था कि थायराइड है। थायराइड क्यों हुआ तो वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आया था, और मेरा हीमोग्लोबिन बहुत डाउन था, 3 तक आ गया था। पर मैं अक्टूबर में ऐसे मतलब मुझे मेडिसिन पे नहीं रहना था, सबसे पहली बात बहुत ज्यादा मेडिसिन ले रही हीमोग्लोबिन कवर करने के लिए, वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से रेड ब्लड सेल नहीं बन रही है उसकी, थायराइड की सब टैबलेट्स टाइम टू टाइम टाइम टू टाइम। और सडनली ये वेबिनार मैंने अटेंड किया और मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे ज्वाइन करना है, और अक्टूबर मैंने ज्वाइन किया है, नवंबर में मैंने मेडिसिन कंटिन्यू की है, और दिसंबर से मैंने मेडिसिन पूरी स्टॉप कर दी है। और टच वुड कि मुझे अभी थायराइड का कोई भी सिम्टम्स नहीं है, या फिर एच भी नहीं डाउन हो रहा है, ब्लड टेस्ट नहीं किया है मैंने, मन भी नहीं करता है कि अभी फिलहाल करूँ, बट कोई भी नहीं है, मतलब फुल डे एनर्जेटिक रहती हूँ, मेरे 2 बच्चों को संभाल के पूरा दिन, सब काम घर में बाहर का, और हेयर फॉल हो रहा था, स्टॉप हो गया है पूरा, ग्लो आ गया है फेस पे, और बाकी का मतलब कुछ सिम्टम्स ही नहीं है। जो सबसे मेन बात की जो एंग्री होते थे, चिड़ 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 ऐसा हो जाता था,
थोड़ा सा ही बात पे गुस्सा हो जाती थी, वो सब नॉर्मल हो गया है, पूरा नॉर्मल, मतलब कंप्लीटली खुद को एकदम स्टेबल हो गई हूँ मैं एक्चुअली, अगर बोल। तो देखा सबने, सुना सबने कि कैसे इनकी सक्सेस स्टोरीज बनी है। कैमरास क्यों ऑफ हो गए? क्या हम नहीं समझ पा रहे हैं? क्या वेबिनार इज नॉट गुड, नॉट बोर है वेबिनार? आई डोंट थिंक सो। सो प्लीज कैमरा ऑन करें ताकि इंटरेक्शन रहेगा, सुनेंगे समझेंगे तभी समझ में आएगा। यस वी विल शेयर फुल डिटेल्स, प्लीज गिव अस सम टाइम। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था 120 मिनट आपको मेरे साथ रहना है। ओके सो प्लीज हैव पेशेंस, दो बातें हमने बोली है, सी फॉर कमिटमेंट, पी फॉर पेशेंस। प्लीज हैव पेशेंस, वेबिनार में आए हैं, लेट अस अलाउ टू। और आपको स्वामी जी के साथ लाइव अभी क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे, प्लीज हैव पेशेंस, जस्ट गिव मी सम टाइम। ऐसी सक्सेस स्टोरीज आप भी अपनी बना सकते हैं, ज्वाइन करके अपने आप को उन प्रॉब्लम से बाहर लाके। ओके सो नाउ अबाउट आर, जस्ट अ मिनट, आर प्रोग्राम फॉर्मेट। हमारा प्रोग्राम फॉर्मेट है क्या? सो दिस इज 3 मंथ्स प्रोग्राम, ऑनलाइन क्लासेस है सारी, कुछ भी ऑफलाइन नहीं है। तो इसमें हम कितनी प्रैक्टिसेस आपको देने वाले हैं, कितने सेशंस देने वाले हैं? टोटल 23 सेशंस, लर्निंग एंड प्रैक्टिस सेशंस विल बी प्रोवाइडेड इन दिस 3 मंथ्स प्रोग्राम। सेशन रोज नहीं है, नॉट एवरी डे, प्लीज ध्यान दीजिए, सेशन रोज नहीं है। एज पर स्केड्यूल 3 महीने के अंदर उन सेशंस को स्प्रेड कर दिया गया है, स्केड्यूल आपके साथ शेयर किया जाएगा। ये 3 महीने में आपको पता चलेगा बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स आपकी बॉडी में आएंगी, लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट्स यू विल फील द चेंजेस इन योर बॉडी। तो ये 3 महीने का हमारा प्रोग्राम है। अब ये प्रोग्राम कैसे, टीम कौन है इस प्रोग्राम की, कनेक्टेड बाय ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स। तो ये प्रोग्राम डिजाइन किया स्वामी राज विभू जी ने, और प्राण शक्ति डायग्नोस एंड कस्टमाइजेशन ऑल्सो ही डज, एंड आवर चीफ मेंटर इज नवनीत कपूर जी, ही ओवरसीज प्रोग्राम डिलीवरी। एंड द थायडर टीम दैट प्रोग्राम मेंटर, माई सेल्फ एकता एंड माई को मेंटर्स वंदना गौतम, कुंजन कौशिक एंड निरंजन जी। And there is a support team also, technical support team, sales and calling team, Vaidya and Siddha support. ये सारी टीम मिलकर आपको 90 days के लिए hand holding करती है और आपको संभालती है। Is there any program जिसमें एक 90 days की journey में पूरा आपका साथ दिया जाए? इसमें पूरा आपका साथ दिया जाएगा, आपकी problems को सुना जाएगा, उसका solution दिया जाएगा through this 3 months journey. ओके सो व्हाट इज द क्लास एक्सपीरियंस, कैसा रहेगा क्लास, मेंटर सपोर्ट क्या होता है? ऑल सेशंस विल बी लाइव, ग्रुप सेशंस होंगे जूम पर, एवरी सीट इज फ्रंट सीट। यहाँ पर आपको टेंशन नहीं है कि पहले ज्वाइन करूं, कोई दूसरे सेकंड पे ज्वाइन कर रहा है, सबकी फ्रंट सीट रहेगी। एज पर स्केड्यूल आपके सेशंस होंगे, यू कैन टेक योर सेशन, अटेंड योर सेशन थ्रू लैपटॉप मोबाइल, और आपका मेन सेशंस, आपके सेशंस की टाइमिंग्स रहेंगी 60 मिनट्स प्लस Q&A, Q&A यानी क्वेश्चन एंड आंसर्स। सेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ लैंग्वेजेस, आपको अपनी लैंग्वेज पकड़नी होगी। सेशंस रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल फॉर मेन सेशंस, एंड यू विल गेट द इंस्ट्रक्शंस आल्सो इन हिंदी एंड इंग्लिश। आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सारे इंस्ट्रक्शंस रिटन में मिलेंगे। एंड व्हाट इज द क्लास मेंटर सपोर्ट, क्या रहेगा? हम लोग इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं, इवन इन बैच क्लासेस, जितने भी लोग हों सबके ऊपर अटेंशन दी जाती है। प्रैक्टिस कंडक्ट सेशंस किए जाते हैं, डाउट्स को क्लैरिफाई किया जाता है, और हमें जरूरत होती है इंडिविजुअल रिव्यू करते हैं इफ नीडेड। व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट रहता है मॉर्निंग 8 to 8 AM to 8 PM। डेडिकेटेड मेंटर कनेक्ट टाइम रहेगा, आपको टाइम दिया जाएगा कि इस समय पे आप अपने मेंटर से कनेक्ट कर सकते हैं, फोन कॉल्स कर सकते हैं, एंड इफ नीडेड वीडियो कॉल्स, तो वी कैन ऑल्सो डू दिस। हैंड होल्डिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स हमारी 90 डेज में, इस जर्नी में आपको पूरा मिलेगा। नाउ कुंभक प्रैक्टिसेस क्या है ये? So we are addressing 84 factors of your system basis which body function. 84 factors होते हैं body के जिनको हम address करते हैं।
हमारा शरीर, बाहरी शरीर नहीं, आंतरिक शरीर, अष्ट शरीरा जिसको बोलते हैं, उसको कैसे ठीक करेंगे कुंभक प्रैक्टिसेस के थ्रू। ये हमारी कुछ प्रैक्टिसेस हैं, भूमिकरण, रुद्र व्यान कुंभक। भूमिकरण मेटाबॉलिज्म इश्यू, जो मेटाबॉलिक इश्यूज होते हैं उनको करेक्ट करती है। रुद्र व्यान, व्यान फैक्टर जो वीक हो जाता है, यानी कि मेंटेनेंस फैक्टर जो प्रेशर को, बॉडी के प्रेशर को मेंटेन करता है, उसे करेक्ट करता है। सोमागिनी यानी सूरज और चंद्रमा, मून एंड सन, इनका कॉम्बिनेशन जो हमारी बॉडी में बिगड़ जाता है, ये उसे करेक्ट करता है, जिसकी वजह से हम किसी कंडीशन में आते हैं। इवनिंग प्रैक्टिसेस आधारकाली नाग कुंभक, लंग्स को, एंड योर नाग कुंभक इज लाइक नाग प्रकृति। यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है हमारी बॉडी में, सब कुछ नीचे की तरफ जाता है, इन टर्म्स ऑफ ब्लड, इन टर्म्स ऑफ हॉर्मोन्स, इन टर्म्स ऑफ यूरिन, इन टर्म्स ऑफ वाटर। तो जब वो गड़बड़ हो जाता है उसे बोलते हैं नाग दोष। तो नाग कुंभक उसे करेक्ट करता है। एंड द खेचरी एंड क्रम भस्तिका करेक्ट योर रिदम। रिदम बताया स्वामी जी ने, हाँ, रिदम गड़बड़ हो गया हमारी बॉडी का, ये उनको करेक्ट करते हैं। तो ये एम्पावर करते हैं आपके अष्ट शरीर को विद कुंभक प्रैक्टिसेस। ओके, सो एक्सपेक्टेड क्या है इस जर्नी में, 90 डेज की थेरेपी में आप क्या इंप्रूवमेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कैमराज ऑन करेंगे प्लीज, आई कैन सी मेनी कैमराज आर ऑफ, प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज। सो क्या मिलेगा आपको? रिवर्सल की एनर्जी बढ़ेगी, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, नींद अच्छी आनी शुरू हो जाएगी जो बहुत टाइम से नहीं आ रही है, मेंटल स्टेट बेटर होगी, एनर्जी लेवल्स काम होगा, दिमाग शांत हो जाएगा, फोकस्ड हो जाएगा माइंड, और बेटर मेंस्ट्रुअल हेल्थ, आपकी स्किन और बाल अच्छे होंगे, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। कम है हाँ, 3 महीने के इस प्रोग्राम में ये सब आना, कौन सी दवाई है जो ये काम कर सकती है? आपकी लथार्जी को रिड्यूस कर सकती है, दर्दों को रिड्यूस कर सकती है, एंजाइटी, ब्लोटिंग, ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड है इन दिस 90 डेज ऑफ थेरेपी। ओके, सो व्हाट वी विल कवर, द कंडीशंस वी कवर इन दिस प्रोग्राम, प्रॉब्लम्स ड्यू टू हार्मोनल इंबैलेंस, सर्कुलेटरी सिस्टम, वेट गेन एंड लॉस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि डिटॉक्स, पीसीओएस, पीसीओडी, टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, आईबीएस, सिस्ट एंड स्टोन्स, फाइब्रॉइड्स, गॉइटर, हाशिमोतो, ग्रेव, पैराथायरॉयड, थायराइडाइटिस, एनी काइंड ऑफ थायराइड, फैटी लिवर, हाइपोथैलेमिक इंफ्लामेशन, थायराइड एंड हार्मोनल इश्यूज, ये कंडीशंस कवर की जाएंगी इस पूरे प्रोग्राम में। और जो आपको सिम्टम्स आते हैं, यानी कि माइग्रेन, हेडेक्स आ गया, गुस्सा बहुत आता है, कंट्रोल नहीं है, कॉन्स्टिपेशन पता नहीं कब से चल रही है, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, पाल्पिटेशन, इंसोम्निया, पेन्स एंड एक्स, डिस्टर्ब्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, लेथार्जी, स्वेलिंग आ गई, इन स्वेलिंग एंड पेन इन सोल्स, फीट, एंकल्स, थायराइड वालों को ये आती है प्रॉब्लम, डिप्रेसिव थॉट्स, एसिड रिफ्लक्शन, एसिडिटी, इंडाइजेशन, डिप्रेसिव थॉट्स, ये सारी स्किन इश्यूज, ये सारे सिम्टम्स इस प्रोग्राम में कवर किए जाएंगे। ओके, सो नाउ इम्पैक्ट ऑफ कुंभक थेरेपी, ये रिजल्ट हमारा निकल कर आया है कि क्या इम्पैक्ट आता है कुंभक थेरेपी का। 70 to 80% एनर्जी बढ़ती है, 67% रिडक्शन इन एंग्जाइटी, 75% बेटर डाइजेशन, 80% कॉन्स्टिपेशन रिलीफ। ये मैं बात कर रही हूँ सिर्फ 3 महीने की, कि उसमें ये निकल के आता है, बाद में लॉन्गर काम करेंगे तो 100% कवर होगा। 89% बेटर कंट्रोल ओवर लिम्स, फोकस बढ़ जाता है, 76% एंड बेटर कॉन्फिडेंस लेवल्स, मोर एफिशिएंट एट वर्क, 80% स्लीप बेटर, स्नोरिंग चली जाती है। हाँ, स्नोरिंग बहुत तंग करती है ना हमारे आस पड़ोस वालों को, हाँ, तो वो भी क्लियर हो जाती है। ओके, नाउ कम टू द कॉस्ट, यही मांग रहे हैं सब लोग, फीस बताइए मैम, सॉल्यूशन बताइए। सॉल्यूशन तो दे रहे हैं, एक्चुअली में सबको फीस जाननी है, तो पहले समझ तो ले थोड़ा फीस को, क्योंकि थायराइड की गोली बहुत सस्ती होती है, वेरी चीप, उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती है, लेकिन हिडन कॉस्ट किसी को नहीं मालूम कि क्या क्या आती है। एक थायराइड की गोली शुरू होती है, उसके वो थायरोक्सिन, थायरोनोम, थोड़ा सोच के देखिए,
कि पूरी कम्युनिटी को जिसको थायराइड है एक ही चीज दी जाती है, आयदर थायरोक्सिन, थायरोनोम और एल्ट्रोक्सिन, तीन टाइप की दवाइयां पकड़ा दी जाती हैं। नहीं पता वो क्या करेंगी, उसके बाद आपकी डॉक्टर विजिट शुरू होती है सॉरी लैब टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड, कॉन्स्टिपेशन, फिर जब बाल खराब होते हैं तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट पे भी जाते हैं। हमारी जब नर्व्स इश्यू आते हैं न्यूरो पे पहुंच जाते हैं, मेंस्ट्रुअल इश्यू होते हैं या फाइब्रॉइड्स आ जाते हैं तो हम गायनाकोलॉजिस्ट पे भी जाते हैं, और अगर सर्जरी की जरूरत पड़ती है, गॉल स्टोन हो गए, स्टोन्स आ गए बॉडी में, तो हम सर्जरी के लिए भी जाते हैं। जस्ट अ मिनट। तो कॉस्ट अगर देखेंगे तो कॉस्ट कम नहीं हो रही है, और दवाइयां अलग हैं, एंटी एसिड, पेन किलर्स, इन सब की, एंजाइटी डिप्रेशन की मेडिसिन हमारी अलग से चल रही है। तो जस्ट टू मेंटेन योर कंडीशन विदाउट के क्योर हम खर्चा करते चले जा रहे हैं, स्पेंड करते जा रहे हैं, तो दिस कॉस्ट विल ओनली इंक्रीज नॉट कम डाउन। ये कभी नीचे नहीं आएगी, ये ऊपर ही जाएगी। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ये सारा खर्चा मैंने अपने ऊपर किया हुआ है। आज मैं दवाई फ्री हूँ, मेडिसिन फ्री हूँ, तो ये सारे खर्चे ऑटोमेटिकली खत्म हो गए। ओके, सो नाउ इज इट वर्थ वाइल टू इन्वेस्ट इन समथिंग दैट वर्क्स? क्या उस पे इन्वेस्ट करना वर्थ नहीं है जो एक्चुअली काम करता है? तो दिस इज द ओनली वन एंड ओनली प्रोग्राम, कुंभक थेरेपी फॉर थायराइड एंड हॉर्मोनल प्रॉब्लम्स। क्या करेगा ये? एम्पावर्स योर फिक्स रीजन बिहाइंड थायराइड, ये एम्पावर करेगा आपके रीजंस जिसकी वजह से आप इस कंडीशन में आ गए हैं। फोकस ऑन द रियल प्रॉब्लम, वीक ऑर्गन्स एंड फंक्शंस, आपका रूट कॉज एनालिसिस होगा, कस्टमाइज सॉल्यूशंस दिए जाएंगे, आपके सिस्टम को स्ट्रांग बनाया जाएगा अगेंस्ट थायराइड एंड हॉर्मोनल प्रॉब्लम्स, एंड लोअर द रिस्क ऑफ T3 T4 TSH का जो मिसमैनेजमेंट आता है बॉडी में, रिस्क आता है, उसके रिस्क को ये कम करेगी। ओके, सो नाउ द बैच स्टार्ट डेट्स। बैच स्टार्ट डेट्स क्या है? देयर आर टू ऑप्शंस, टू बैचेस। द फर्स्ट बैच इज ऑन फ्राइडे एट 11 AM मॉर्निंग। ओके सॉरी, इसमें गलत आ गया है, 11 AM मॉर्निंग में है। ये उनके लिए है जो लोग सुबह का बैच नहीं ले सकते हैं, जिनको 11 वाला टाइम सूट करता है, मॉर्निंग में टाइम नहीं है, ये उनके लिए है। ओके, एंड देयर इज द अदर बैच, वीकेंड ओनली बैच। ये उनके लिए है जो वीक डेज में अपने ऊपर सॉरी अपने ऊपर टाइम नहीं बिता सकते या उनके पास टाइम नहीं है, तो ये सैटरडे वीकेंड बैच शुरू हो रहा है। इसकी प्रैक्टिस सेशन, मेन सेशंस वीकेंड में ही होंगी, 7 AM मॉर्निंग। ओके, एंड प्रैक्टिस सेशंस आर हेल्ड ऑन वीकडेज एज पर द स्केड्यूल। वीकडेज और वीकेंड बैच का, वीकेंड बैच में वो स्केड्यूल आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। नाउ कम टू द कॉस्ट, यही चाहिए था सबको। सो योर वन टाइम इन्वेस्टमेंट इन योर वेलबींग, ये आपकी वेलबींग के लिए, आपके अपने अपने को ठीक करने के लिए एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो वन टाइम प्रोग्राम फी इज 7999। ओके, इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस ऑल्सो अवेलेबल फॉर फ्राइडे बैच टिल 25 अप्रैल। यू हैव टू इनरोल। ओके, सो यू हैव टू पे 4499, एंड आफ्टर 1 month ऑन 25th में यू हैव टू पे 4000 द बैलेंस अमाउंट इफ यू गो फॉर इंस्टॉलमेंट। फॉर सैटरडे बैच टिल 26 अप्रैल 4499, एंड आफ्टर 1 month 26 में यू हैव टू पे 4000 फॉर द सैटरडे बैच। एक महीने के बाद आपको नेक्स्ट बैलेंस अमाउंट देना है। सो द मेन एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नो रिफंड्स, नो डिस्काउंट्स, प्लीज डोंट आस्क। आप अपने स्वास्थ्य पर, अपने हेल्थ पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो डिस्काउंट की प्लीज अपेक्षा ना करें। ओके, सो मैं स्कैन रख रही हूँ 2 मिनट के लिए। इफ यू वांट टू इनरोल योरसेल्फ, अपने आप को इस प्रॉब्लम से बाहर लाने के लिए इनरोल कीजिए, आगे बढ़िए, एक कदम आगे बढ़ाइए। एक आपने बढ़ाया वेबिनार में आके, अब आगे बढ़ाइए अपने आप को इनरोल करके और प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में लाके इन प्रॉब्लम से बाहर आए।
यस नाउ देयर इज अ पोल, योर फीडबैक मैटर्स फॉर अस, सो प्लीज अपना फीडबैक जरूर देंगे और वेट करेंगे. अभी क्यू एन ए सेशन होगा विद स्वामी जी, प्लीज वेट फॉर क्यू एन ए सेशन, आपके क्वेश्चंस को भी लिया जाएगा.